अरुणाचल प्रदेश में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से लापता हुए सभी 7 जवानों की तलाश कर ली गई है। करीब 24 घंटे से लापता रहने के बाद सभी जवानों को मंगलवार दोपहर को खोज निकाला और उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस दुखद हादसे ने सभी जवानों को मौत के आगोश में ले लिया। उपचार के दौरान सभी जवान शहीद हो गए हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में उपमंडल घुमारवी के साथ लगती पंचायत सेयू के गाँव सेयू का अंकेश भारद्वाज भी शहीद हो गया है। 21 वर्षीय जवान अंकेश भारद्वाज अरुणाचल प्रदेश में गश्त के दौरान बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 6 तारीख से लापता थे। जानकारी के अनुसार इन 7 जवानों का गश्ती दल अरुणाचल की दुर्गम पहाड़ियों पर गश्त कर रहा था कि अचानक खराब मौसम और बर्फीले तूफान की वजह से 6 तारीख को सभी लापता हो गए। परिवार वालों को इस संबंध में 6 तारीख शाम लगभग 5 बजे के करीब आर्मी हेडक्वार्टर से सूचित किया गया था। गांव में दुख की इस घड़ी में परिवार वालों को ढांढस बंधाने वालों का तांता लगा हुआ है। स्थानीय विधायक और मंत्री राजेंद्र गर्ग ने घर जाकर परिवार वालों को ढांढस बंधाया। सभी जवान की सलामती की प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। अंकेश भारद्वाज अभी महज 21 साल के थे और 2019 में ही सेना में भर्ती हुए थे। जवान बेटे के शहीद होने की सूचना मिलने के साथ ही परिवार सहित समूचा क्षेत्र गमगीन हो गया है। इस शहीद के पिता भी भूतपूर्व सैनिक हैं। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से रंजू जम्वाल की रिपोर्ट। गश्त में गया था 18 अगस्त के लगभग, लेकिन जो मेरे को ऑपरेशन किया बिना मिली इन्फॉर्मेशन मिली मिली मेरे को 6 बजे शाम के 5 बजे लगभग। अच्छा, अभी अभी गए थे, हाल ही में ड्यूटी पे गए थे वो अभी। किस तरह का नेचर था उनका, आपसे बातचीत करते होंगे? 3 फरवरी को बात हुई थी उसकी अपनी माता जी से, और 3 फरवरी को ही सुबह के टाइम मेरे से तो बोला मैं 20 तारीख को छुट्टी आऊँगा। कितना टाइम हो गया उनको करती हुए? करती हुए उनको है अभी 3 साल 14 दिन। भगवान से कुछ वो करते हैं आप कामना की सुरक्षित वापस आ जाए? जी जी जी, क्या लगातार कर रहे हैं उसी दिन से। उम्मीद है आपको भी सुरक्षित वापस आ जाएंगे, इसकी कामना करते हैं भगवान जी। उम्मीद है पूरी, और पूरा विश्वास है मेरे को भारतीय सेना के ऊपर कि इस ऑपरेशन का मैं भी हासिल करेंगे। थैंक यू। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 3 दिन पहले हमारे कुछ सैनिक भाई जो हैं एक स्नो स्टॉर्म में फंसे हुए हैं, हमारे जिसमें हमारे घुमारवी का भी ग्राम सेऊ से एक सैनिक अंकेश, जिनके पिताजी BSF से रिटायर्ड हैं श्री बांचाराम जी, तो उनको भी सारे बाहर निकालने के लिए सारा जो है वो प्रयास करके सेना के द्वारा उसका पूरा इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि तो सभी सैनिक हमारे सुरक्षित बाहर आए, इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। और हम लगातार सेना के अधिकारियों से संपर्क में हैं और जैसे ही हमको सूचना मिल रही है परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर यहाँ बातचीत भी की ताकि इनको भी किसी प्रकार का कोई शंका या डर इनके मन में ना हो, ऐसा हमने प्रयास किया है। क्योंकि ऐसी कठिन परिस्थितियाँ ऐसे ऑपरेशंस में आती हैं और हमारे अंकेश के पिताजी जो हैं वो स्वयं BSF से रिटायर्ड हैं, इसलिए उनका वो जानते हैं कि सारी परिस्थितियाँ कैसी होती हैं। और हम लगातार परिवार के साथ संपर्क में हैं और सैन्य अधिकारियों के साथ भी संपर्क में, भगवान से प्रार्थना करते हैं